दोस्तों इस साल की शुरुआत में ही मैंने आपको एक एस्टिमेशन बताया था कि साल 2023 में सोने का भाव कहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2022 में ही एक ही महीने में सोना 1600 रुपए तक महंगा हुआ था, राइट। और तभी मैंने एस्टिमेशन बताया था कि 60,000 तक पहुंच सकता है गोल्ड, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई थी IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने यह कहा था कि साल 2023 में सोने की चमक यानी कि महंगाई भाव और बढ़ेगा और ये 60,000 तक हो सकता है। और देखिए आज वाकई में सोना इस रेट तक चल रहा है। मैंने तो आपको एक रिपोर्ट के अनुमान के हिसाब से एस्टिमेशन बताया था और ये वाकई में सच हुआ। अभी जो सोने का भाव चल रहा ना 61,000 पर चल रहा है, 60,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है और चांदी भी 74,000 के पार पहुंच चुकी है। आज के सोने चांदी के रेट अपन देखें, लेकिन इससे पहले देखिए जरा आपके पिछले 10 सालों में सोने ने इन्वेस्टर्स को निवेशकों को 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। ये 2013 से बात करते हैं अपन 2023 के बीच, तो 2013 में सोने का रेट था 69,704 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये कीमतें 10 ग्राम में प्रति तोले में है मतलब। इसी तरह से 2014 में 28,000 कम हुआ थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो देखिए आप 13 से लेकर 20 तक सोने का रेट 43,000 पहुंच गया और अभी 23 में तो सोने का रेट 60,977 ऑलमोस्ट 61,000 पर चल रहा है। यह आज का लेटेस्ट रेट बता रहा हूं मैं आपको। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, 24 कैरेट सोने का रेट 60,977, 23 कैरेट का 60,733, 22 कैरेट का रेट चल रहा अभी 55,855 और 18 कैरेट का रेट चल रहा 45,733 रुपए। ऑलमोस्ट जो सोने चांदी की ज्वेलरी होती है वो 23 कैरेट 22.5 कैरेट के हिसाब से बनाई जाती, तो लगभग ज्वेलरी का जो सोना है वो अभी चल रहा है 58,960 तक, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि सोने में तेजी के 5 कारण देखिए आप। एक तो ग्लोबल मार्केट में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है, 2023 में दुनिया भर में मंदी की आशंका भी है, इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी आई है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं, इस वजह से भी सोने की डिमांड बढ़ रही है तो सोना महंगा हो रहा है और बढ़ती महंगाई की वजह से भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस है, कारण है जिनकी वजह से सोना महंगा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोना अब इस साल 2023 के एंड में दिसंबर तक कितना जा सकता है। तो दोस्तों इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं ना तो आपको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि 20-30% रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2023-24 वित्त वर्ष में सोना 15-20% तक का रिटर्न दे सकता है और चांदी की कीमतों में इसी साल चालू वित्त वर्ष में 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पिछले एक साल का डेटा देखें अपन तो सोना 8,000 रुपए तक महंगा हुआ है। ये मार्केट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है कि इस वित्त वर्ष में सोने की कीमतों में इतनी 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। LKP सिक्योरिटीज के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सोने के घरेलू भाव में बीते एक साल में 8,000 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे कि सोने की कीमतें 52,000 से बढ़कर अभी 60,000 तक पहुंच गई, मैंने आपको बताया, तो अभी 68,000 तक सोने का भाव पहुंच सकता है, ऐसा LK सिक्योरिटीज के विश्लेषक का कहना है। और चांदी में भी 30% तक रिटर्न की उम्मीद है। चांदी के भी कुछ और डेटा आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये जो प्रेडिक्शन बता रहा हूं दोस्तों मैं मेरे लेवल पर नहीं बता रहा हूं, कुछ मार्केट एक्सपर्ट और कुछ इन्वेस्टर एजेंसीज का यह कहना है। हालांकि रिस्क तो हर जगह है, शेयर मार्केट वगैरह में भी, लेकिन मान के चलिए कि सोने में तो प्रॉपर्टी के बाद जस्ट सेकंड नंबर पर अपन कह सकते हैं जहां सबसे कम रिस्क होता है। ऐसा तो नहीं ना कि आपने पैसे लगाए सोना कल को 20,000 पे आ जाए 30,000 पे आ जाए, इतना फ्लक्चुएशन तो नहीं होता है, राइट। स्टॉक मार्केट से तो काफी कम रिस्क होता है यहां पर। बहरहाल हम अभी बात करते हैं चांदी के रेट की। तो आज के सोने का भाव तो मैंने आपको बता दिया 60,970 चल रहा और चांदी का रेट 74,522 चल रहा, और आने वाले साल भर में दिसंबर 2023 तक सोना चांदी कहां तक पहुंच सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या निवेश के हिसाब से सोना चांदी सही है या नहीं, ये सत्वनो आपकी ओपिनियन भी मैं जानना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो अपन करते हैं वो तो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर सोना चांदी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। एंड व्हाट्स योर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।